हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको वेंडर क्वालिफिकेशन के थिकनेस रेंज के बारे में बताऊंगा। मेरे कई व्यूअर्स ने और सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये कमेंट किया था और बोला था कि इस वीडियो को बनाएं, तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थिकनेस रेंज के बारे में पता चल जाएगा और एएसएमई के कौन सा टेबल हम रेफर करते हैं थिकनेस रेंज के लिए, उस टेबल को कैसे समझा जाए, ये सारी चीजें मैं आज आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके थिकनेस रेंज के जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं थिकनेस रेंज। थिकनेस रेंज में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थिकनेस रेंज फॉर वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट। वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट, इसे परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट तो एएसएमई सेक्शन 9 के टेबल नंबर 452.1B, इसमें यह थिकनेस रेंज दिया गया है। वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट का थिकनेस रेंज एएसएमई सेक्शन 9 टेबल QW 452.1B में दिया गया है। ये 2017 एडिशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बताया था थिकनेस रेंज है क्या। तो पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, जो वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट का थिकनेस रेंज है वो डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल के आधार पे दिया गया है। डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल के थिकनेस के आधार पे, मतलब अगर ये वेल्ड मेटल डिपॉजिट किया किसी वेल्डर ने एक टेस्ट कूपन पे, ये हमारा टेस्ट कूपन है, इस पे किसी वेल्डर ने सपोज करते हैं टी थिकनेस का अगर वेल्ड मेटल डिपॉजिट किया तो वो वेल्डर कितने थिकनेस तक क्वालिफाई होगा। तो एसएमई सेक्शन 9 क्यूडब्ल्यू टेबल QW 452.1B के अनुसार टेस्ट कूपन का जो थिकनेस होगा, सॉरी डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल का जो थिकनेस होगा, अगर सपोज करते हैं वेल्डर ने टी थिकनेस का वेल्ड डिपॉजिट किया है, तो वेल्डर अप टू 2T मैक्सिमम, अप टू 2T थिकनेस तक वेल्ड डिपॉजिट कर सकता है। मैक्सिमम का क्राइटेरिया एएसएमई सेक्शन 9 ने दिया है, मिनिमम का नहीं दिया है। इसमें एक उन्होंने क्लॉज डाला है, अगर वेल्डर ने मोर देन 13 mm, 13 mm से ज्यादा का वेल्डिंग किया, 13 mm, 13 mm से ज्यादा का वेल्डिंग किया और मिनिमम 3 रन रखे, 1, 2, 3 रन, 3 रन मिला के अगर वेल्डर ने 13 mm वेल्ड डिपॉजिट कर दिया है, 13 mm वेल्डिंग वेल्ड डिपॉजिट कर दिया है, तो वो वेल्डर अनलिमिटेड थिकनेस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अनलिमिटेड थिकनेस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इसे मैंने एक टेबल में सिंप्लीफाई किया है। इस टेबल को देखिए, सीरियल नंबर 1, थिकनेस टी ऑफ द डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल इन द टेस्ट कूपन फॉर ऑल थिकनेस, किसी भी थिकनेस का वेल्ड मेटल डिपॉजिट किया टेस्ट कूपन में वेल्डर ने, तो मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं, मैक्सिमम वो 2T तक वेल्ड मेटल डिपॉजिट कर सकता है। दूसरा जो टर्म्स कंडीशन है, मोर देन 13 mm और 1/2 इंच विथ अ मिनिमम ऑफ 3 लेयर्स ऑफ वेल्डिंग,
जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिमम ऑफ 1, 2, 3 तीन लेयर कम से कम किया, और वो तीनों लेयर अगर मिला के 13 mm या उससे ज्यादा हो गया तो वेल्डर अनलिमिटेड, ये देखिए अनलिमिटेड थिकनेस वेल्ड मेटल डिपॉजिट कर सकता है, मतलब वेल्डर अनलिमिटेड थिकनेस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो टेबल QW 452.1B के अनुसार अगर हम कंक्लूजन निकाले तो पहला कंक्लूजन आता है कि ASME ने मिनिमम थिकनेस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, मैक्सिमम थिकनेस के लिए जो क्राइटेरिया दिया है वो है 2T, और 2T क्या है, ट्वाइस, दुगना, मतलब जो वेल्ड मेटल वेल्डर ने टेस्ट कूपन में डिपॉजिट किया जितने थिकनेस उसके 2 गुना तक वो वेल्डिंग कर सकता है। और एक स्पेशल केस दिया गया है कि अगर वेल्डर ने 13 mm वेल्ड मेटल डिपॉजिट कर दिया विथ मिनिमम 3 लेयर्स देन ही क्वालिफाइज फॉर एन अनलिमिटेड थिकनेस, तब वो वेल्डर अनलिमिटेड थिकनेस के लिए क्वालिफाई कर जाता है। तो ये 2 चीजें हम ASME सेक्शन 9 के टेबल QW 452.1B से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये सारी चीजें। आई होप कि आपका आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और वेल्डर क्वालिफिकेशन के थिकनेस रेंज को आप समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब वेल्डर क्वालिफिकेशन के थिकनेस रेंज होने के बाद अब जो दूसरा चीज होता है पाइप्स, पाइप्स के डायमीटर का रेंज, मतलब अगर किसी वेल्डर ने एक पर्टिकुलर डाया के पाइप की वेल्डिंग टेस्ट कूपन पे की है तो वो कितने डाया तक के पाइप की वेल्डिंग कर सकता है, उसका भी ASME सेक्शन 9 ने क्राइटेरिया रखा है। तो ये क्राइटेरिया है ASME सेक्शन 9 टेबल QW 452.3, मैं लिख देता हूं, टेबल QW 452.3, आप टेबल QW 452.3 में डायमीटर के रेंज को देख सकते हैं। ये डायमीटर जो दिया गया है ओडी में दिया गया है, आउटसाइड डायमीटर। ये हमारा पाइप है, सपोज करते हैं, सॉरी ज्यादा गोल नहीं बन पाया, ये पाइप है। तो पाइप की एक थिकनेस होगी, ये थिकनेस है, पाइप का एक आईडी होगा, ये आईडी है, और पाइप का एक ओडी होगा, ये ओडी है। तो ASME ने ये क्राइटेरिया ओडी में दे रखा, आउटसाइड डायमीटर में। तो ये क्या है मैं आपको बताता हूं, तो मैंने आपको टेबल बता दिया, अगर आपके पास ASME सेक्शन 9 है तो आप ओपन करके देख भी सकते हैं टेबल QW 452.3, उसके हिसाब से क्या क्राइटेरिया दे रखा है ASME ने, जरा ध्यान से देखेंगे इसमें काफी चीज कंक्लूड कर सकते हैं। सीरियल नंबर 1, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द टेस्ट कूपन इन mm और इंचेस, क्वालिफाइड आउटसाइड डायमीटर ओडी इन mm और इंचेस, मिनिमम ओडी मैक्सिमम ओडी, मतलब मिनिमम कितने तक कितने साइज के लिए वेल्डर क्वालिफाई करता है, मैक्सिमम कितने साइज के लिए वेल्डर क्वालिफाई करता है। तो अगर टेस्ट कूपन जो पाइप है उसका ओडी आउटसाइड डायमीटर 25 mm से कम है, 25 mm है, तो मिनिमम ओडी जिसके लिए वो क्वालिफाई करता है वो साइज वेल्डेड, मतलब जितने साइज की कूपन को उसने वेल्डिंग किया है वो उस साइज तक की वेल्डिंग को ही कर सकता है, वो उस साइज तक के डाया को ही वेल्डिंग कर सकता है, और मैक्सिमम अनलिमिटेड। इसको मैं इसमें समझाता हूं, अगर हमारा ओडी सपोज करे 12 mm है, टेस्ट कूपन का ओडी 12 mm है, तो 12 mm क्या हुआ, 25 mm से लेस है, लेस देन 25,
तो लेस देन 25 है, तो हमारा पहला टेबल में क्राइटेरिया क्या कह रहा था दिखाता हूं, लेस देन 25 तो साइज वेल्डेड, मतलब वो वेल्डर मिनिमम डाया जिसकी वेल्डिंग कर सकता है वो 12 mm है, साइज वेल्डेड, जो टेस्ट कूपन का साइज होगा वो मिनिमम होगा, और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए अनलिमिटेड, मतलब मैक्सिमम का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मिनिमम का रेस्ट्रिक्शन है। तो एक बार फिर से इस टेबल को देखते हैं, लेस देन 25 mm, साइज वेल्डेड, मैक्सिमम अनलिमिटेड। दूसरा क्राइटेरिया कहता है 25 mm से 73 mm, 25 mm टू 73 mm के बीच में अगर आउटसाइड डाया है पाइप का, तो वेल्डर क्वालिफाई करेगा मिनिमम 25 mm और मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो इसे समझाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 25 mm टू 73 mm अगर टेस्ट कूपन का डाया है तो मिनिमम 25, मैक्सिमम अनलिमिटेड। जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है मोर देन 73 mm, अगर 73 mm से ज्यादा टेस्ट कूपन का डाया है तो वेल्डर जो मिनिमम साइज, मिनिमम डाया वेल्डिंग कर सकता है पाइप का, वो 73 mm है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। तो यहां एक चीज कंक्लूड करेंगे कि पाइप के डाया के लिए एएसएमई ने मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, किसी भी डाया पे अगर वेल्डर वेल्डिंग करता है तो वो अनलिमिटेड के लिए क्वालिफाई होता है, लेकिन मिनिमम का उन्होंने क्राइटेरिया रखा है। 25 mm से कम करेंगे तो जितना करेंगे वो मिनिमम क्वालिफाई होगा, 25 से 73 करेंगे तो 25 मिनिमम क्वालिफाई होगा, 73 से ज्यादा करेंगे तो 73 डाया मिनिमम क्वालिफाई होगा। तो ये पाइप के डायामीटर का रेंज था। अब जो तीसरी चीज हम समझेंगे वो समझेंगे, इसमें कई लोग काफी कंफ्यूजन होता है और मेरे व्यूअर्स ने काफी कमेंट किया है, इसलिए मैं आपको समझाता हूं। थिकनेस रेंज फॉर WPS, जी हां, थिकनेस रेंज फॉर WPS, WPS यानी वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के लिए भी एक थिकनेस रेंज होता है बेस मेटल का, बेस मेटल का एक थिकनेस रेंज होता है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक WPS दिखा देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में एक WPS है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। यहां देखिए, यहां ज्वाइंट के डिटेल को दिया गया है, 10.97 बेस मेटल का थिकनेस है, 10.97 मतलब ऑलमोस्ट 11 mm इसकी थिकनेस है, और इसको ये वेल्डिंग किया जाना है, इसके लिए WPS बनाया गया 10.97 के लिए। तो यहां हम देखेंगे बेस मेटल का जो पैरा है, बेस मेटल QW403, इस पैरा में लिखा हुआ है बेस मेटल ग्रुप 5 to 20 mm। ये क्या है, ये है कि ये जो WPS है 5 mm से लेके 20 mm बेस मेटल थिकनेस के लिए ही वैलिड है। तो ये रेंज कैसे निकाला गया, 5 mm से 20 mm कैसे निकाला गया, ये मैं आपको समझाऊंगा। आज बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कई लोगों को इसमें डाउट रहता है, वो इस रेंज को वेल्डर क्वालिफिकेशन थिकनेस के रेंज से जोड़ लेते हैं, वैसा नहीं है। वेल्डर क्वालिफिकेशन थिकनेस रेंज जो था वो डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल के हिसाब से था और वो एक अलग टेबल था, और बेस मेटल का WPS के अंदर बेस मेटल का जो थिकनेस रेंज है वो एक अलग टेबल है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। जो बेस मेटल का थिकनेस रेंज है वो एएसएमई सेक्शन 9 में QW451.1 में दिया गया है, एएसएमई सेक्शन 9 2017 एडिशन में बेस मेटल का जो थिकनेस रेंज है वो QW451 में दिया गया है। ये टेबल मेरे पास, मैंने उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला है, मैं आपको सिंपली समझा देता हूं ये टेबल। इसके हिसाब से एसएमई सेक्शन 9 ने हमें क्या बताया है रेंज, वो मैं आपको बताता हूं।
जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, बिलो वन पॉइंट फाइव एम एम, 1.5 mm से कम की थिकनेस है तो मिनिमम मैक्सिमम। तो जो मिनिमम थिकनेस रहेगी वो t और मैक्सिमम थिकनेस 2t, मतलब 1.5 mm से कम का थिकनेस बोले तो 1 mm है, सपोज फॉर एग्जांपल 1 mm है, तो जो मिनिमम थिकनेस हमारा जो इसके लिए WPS क्वालिफाई होगा वो t यानी 1 mm, और मैक्सिमम जो थिकनेस क्वालिफाई होगा 2t यानी 2 mm, 2 into 1 2 mm। जो दूसरा चीज, दूसरा टेबल, दूसरा क्राइटेरिया है 1.5 mm टू 10 mm, 1.5 से लेके 10 mm के बीच में अगर WPS है हमारा, तो जो थिकनेस क्वालिफाई होगा WPS का जो रेंज होगा वो होगा मिनिमम 1.5 और मैक्सिमम 2t। मतलब अगर सपोज करते हैं हमने WPS बनाया है 5 mm के लिए, फॉर एग्जाम्पल 5 mm के लिए, तो 5 mm क्या है, ये दूसरे क्राइटेरिया में फिट बैठता 1.5 टू 10 mm, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो WPS की रेंज होगी, WPS हमारा जो क्वालिफाई होगा वो होगा 1.5 टू 2T, 2T टी कितना है 5 है, तो 2 इंटू 5 दिस इज 10, तो 1.5 से 10 mm तक के लिए हमारा WPS क्वालिफाई होगा। जो तीसरा कंडीशन है एबव 10 mm, 10 mm से ज्यादा, एबव 10 mm और बट लेस देन 38 mm, 10 mm से ज्यादा, 10 mm तक के लिए ये था, 10 mm से ज्यादा है तो ये तीसरे कंडीशन में आएगा, 10 mm से ज्यादा और 38 mm से कम, तो इसके लिए ASME ने क्राइटेरिया फिर क्या दे रखा है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होगा वो 5 mm और मैक्सिमम 2T। हमारा टेस्ट पीस अगर 15 mm का है तो मिनिमम 5 mm WPS क्वालिफाई होगा और 15 × 30 mm के लिए क्वालिफाई होगा। अब जो मैंने आपको WPS दिखाया था, एक बार फिर से उस WPS को देखिए, यहां मैंने दिखाया था ज्वाइंट कॉन्फ़िगरेशन में जो टेस्ट मेटल का थिकनेस दिया गया है ज्वाइंट का 10.97, मतलब 11 mm के आसपास दिया गया है, 11 mm ऑलमोस्ट, और जो रेंज दिया गया है वो 5 mm टू 20 mm दिया गया है। कुछ क्लियर हुआ? देखिए ये थर्ड क्राइटेरिया में फिट बैठता है, जो थिकनेस थी बेस मेटल की वो 11 mm है, 10.97 मतलब 10 mm से ज्यादा है और 38 mm से कम है, तो हमारा टेबल QW451 कहता है कि 10 mm से अगर ज्यादा है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा, मिनिमम थिकनेस जिसके लिए WPS वैलिड होगा 5 mm और मैक्सिमम 2T, तो हमारा जो ये केस था ये ऑलमोस्ट 10.97 है, तो ये 2T बोले तो यहां इन्होंने 20 mm दिया है, 5 mm तो मिनिमम देख लिया आपने और 10 mm के हिसाब से कैलकुलेशन किया, तो 10 इंटू 2 20 लिखा है, हालांकि एक्चुअल होगा 10.97 इंटू 2, तो मिनिमम 5 mm, मैक्सिमम 10 के हिसाब से 20 mm। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि ये रेंज 5 mm से 20 mm क्यों है, आई होप आप ये समझे होंगे। जो थर्ड, ये तो थर्ड क्राइटेरिया, जो फोर्थ क्राइटेरिया ASME क्या कहता है, 38 mm से लेके 150 mm तक है, 38 mm से लेके अगर 150 mm तक टेस्ट कूपन का थिकनेस है तो WPS जो क्वालिफाई होगा वो मिनिमम थिकनेस 5 mm और मैक्सिमम जो थिकनेस होगा, यहां 2T नहीं होगा, मैक्सिमम थिकनेस 200 mm के लिए होगा, मतलब अप टू 200 mm तक वो क्वालिफाई होगा। आई होप आपको इस चीजें समझ में आ रही होंगी। और पांचवा जो है, अगर 150 mm से ज्यादा है, मोर देन 150 mm कुछ भी हो,
जो WPS क्वालिफाई होगा वो मिनिमम 5 mm के लिए होगा और मैक्सिमम 1.33 T के लिए क्वालिफाई होगा। अब इस टेबल को अगर ध्यान से देखें तो कुछ चीजें कंक्लूड की जा सकती हैं। जो पहली चीज आप कंक्लूड करेंगे, 10 mm से ऊपर, 10 mm से ऊपर अगर थिकनेस है टेस्ट कूपन का, तो जो WPS हमारा क्वालिफाई होगा, मिनिमम थिकनेस जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो 5 mm होगा। 10 mm के ऊपर कुछ भी होता है तो मिनिमम 5 mm के लिए क्वालिफाई होता है। ये पहला कंक्लूजन जो कि आप याद रखेंगे। दूसरा, अगर 10 mm के नीचे है और 1.5 के बीच में है, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा वो 1.5 का होगा, और 1.5 से कम है तो वो तो जो साइज वेल्ड की है। एक और चीज जो आप कंक्लूड कर सकते हैं, 38 mm तक, अप टू 38 mm जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होता है, मैक्सिमम रेंज होता है WPS का, वो 2T होता है, 2T, तो 2T, 2 × T। 38 mm से ऊपर जाएंगे, 38 mm से 150, 200 mm, और 150 के ऊपर जाएंगे तो 1.33 T। ये इसका क्वालिफिकेशन WPS का रेंज होगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा थिकनेस रेंज फॉर वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट WQT, इसे हम परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन भी कहते हैं। और दूसरी चीज देखी आपने डायमीटर रेंज, डायमीटर रेंज भी आपने देखा वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट के लिए डायमीटर रेंज। जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी आपने वो है WPS के बेस मेटल का थिकनेस रेंज, बेस मेटल के का थिकनेस रेंज। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। कई सब्सक्राइबर्स ने और व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया था कि थिकनेस रेंज के बारे में एक वीडियो बनाए, क्योंकि उन्हें काफी कंफ्यूजन हो रहा था। तो आज मैंने इस चीज को क्लियर करने की कोशिश की है। मेरा यह प्रयास, मेरी ये कोशिश कैसी रही, आप जरूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। साथ ही मैं आपको अपने वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे वेबसाइट का नाम है, ये देखिए, www.weldingandndt.com। इस पर विजिट कीजिएगा, इस पर मैं रेगुलर आर्टिकल्स, वीडियोस, फोटोज अपलोड करते रहता हूँ। तो आप इस साइट को विजिट कीजिए और अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक्स जरूर दीजिए। जरूरी नहीं आपके फीडबैक्स पॉजिटिव ही हो, अगर कुछ नेगेटिव फीडबैक भी है तो वो भी दीजिए, ताकि मैं आगे और इम्प्रूव कर सकूं। मेरा जो प्रयास है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को, डिफिकल्ट चीजों को इजी वे में प्रेजेंट करना, ताकि जो व्यूअर्स है उनको इजीली चीजें समझ में आए। तो मेरा यह प्रयास कैसा लगता है आपको, प्लीज कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।